लगता है हमारी बेटी की किस्मत ही खराब है। सही कहा, सात लड़के अभी तक मना कर चुके हैं इससे शादी के लिए। मम्मी आप क्यों मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हो? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे नौकरी करनी है। बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगी ना तो तुझे पता है समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम ही समझाओ ना इसे। दीदी तुम ब्यूटी ऐप यूज करो ना। ब्यूटी ऐप? हाँ मम्मी, ब्यूटी ऐप। इसमें अगर मैं किसी से भी वीडियो कॉल पे बात करूंगी ना तो जैसी मैं हूँ उससे ज्यादा सुंदर दिखूंगी। ये तो बहुत बढ़िया है, सुंदर लड़की को लड़के तुरंत हाँ बोल देते हैं। मम्मी मुझे कोई ब्यूटी ऐप यूज नहीं करना, मैं जैसे हूँ लड़के वाले को वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अरे एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है? बेटा जब माँ बोली तो एक बार यूज कर ले, हो सकता है इस ब्यूटी ऐप से तेरा भला हो जाए, तेरी शादी हो जाए। मान ले बेटा, मान ले। ठीक है पापा, आप बोल रहे हो तो फिर मैं कर लूंगी। कुंती बुआ? कौन कुंती बुआ? अरे तुम्हारे मामा के नाना के छोटे भाई हमारे बाबूजी हैं। अच्छा, मेरठ वाली बुआ? नहीं, इलाहाबाद वाली। राम राम, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज वाली। अच्छा बुआ, अब याद आया, बचपन में हम लोग एक बार संगम नहाने आए थे ना, और तो और पूरी फैमिली के साथ आपके घर पे भी ठहरे थे। हाँ, वही कुंती बुआ। कैसी है बुआ? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे देवर प्रेम के बारे में सुना है, उससे मेरी बेटी रेखा की बात चलाओ ना, ब्यूटी ऐप है मतलब बहुत सुंदर है। हाँ बुआ कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, लड़की का फोटो भेज दीजिए, हम इन्हें दिखा देते हैं, अगर इन्हें पसंद आ गई तो बात आगे बढ़ा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मैं रेखा का नंबर भेज रही हूँ, दोनों मोबाइल पे बात भी कर लेंगे और एक दूसरे को देख भी लेंगे। जी भेज दीजिए। प्रणाम बुआ। प्रणाम। मेरी दूर की बुआ है, उसकी बेटी का रिश्ता आया है, तुम कहो तो बात कर लूं। देखो भाभी, अगर लड़की मुझे पसंद आएगी तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूंगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें नंबर भेज देती हूँ, तुम वो क्या कहते हैं वीडियो कॉल करके देख लो। ठीक है भेज दो नंबर, पक्का? हाँ। सुनो, चाय पियोगी? लेके आता हूं बना के। चलो अभी घर पहुंच गया हूं,
बाद में बात करते हैं। हाँ बाय। प्रेम का कुछ ज्यादा ही वीडियो कॉल नहीं चल रहा है? भाभी लगता है ये लड़की भैया को पसंद आ गई है। वैसे भी अभी तक 5 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं। चलो कोई लड़की पसंद तो आई इसे। अरे आप इतना गुटखा क्यों खा रहे हो? इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे बाबा काहे गुटके के पीछे पड़ी हो? एक बात बताएं, बहुत हो गया है अब। जितने भी लड़के वाले आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अगर हमारी बेटी घर पे रहेगी भी ना तो समाज और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तो टेंशन तो होता है ना। माता जी करे सब ठीक हो जाए। अरे माता जी तो सब ठीक करेंगी ही करेंगी। अरे वो तुम्हारी बेटी कौन सा ऐप यूज कर रही थी? तुम्हारी वो बिटिया रानी। बस दुआ करो कि वो ऐप काम कर जाए और इस बार लड़की का रिश्ता पक्का हो जाए। बेटा अंदर से घबराहट हो रही है ना? मत घबराओ, पता है तुम्हें ऊपर वाला हमेशा 3 चीज है ना इंसान की किस्मत में लिख के भेजता है, एक जन्म, मृत्यु और शादी। मुझे भरोसा है आज जो लड़का तुम्हें देखने आने वाला है वो तुम्हें देखते से ही पसंद कर लेगा। हिम्मत मत हारो बेटा। अरे पगली रो क्यों रही है? हाँ देखना आज तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। देखिए हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत। श्याम पराग करेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए हमारे यहाँ कोई गुटका वुटका नहीं खाता। वो का है ना हम कभी कभी खा लेते हैं। अरे तुम बैठे बैठे क्या कर रही हो? बुलाओ ना बिटिया को। हाँ हाँ रेखा बिटिया चाय लेकर आओ। अरे आप लोग बैठे क्यों हैं? अरे कुछ लीजिए ना। वैसे ये महाराज 5 लड़कियां देख चुके हैं, ये छठी लड़की है जो इन्हें पसंद हाँ आई है। हाँ। अच्छा भाभी चलो। अरे क्या? चलो बैठो तो सही। हाँ पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? ये कौन है? ये तो रेखा नहीं है। अरे बेटा ये रेखा है। अगर ये रेखा है तो फिर वीडियो कॉल में कौन थी? अरे वही जितने दमादी आप बात किया करते थे। देखिए अभी मेरी शादी हुई नहीं है और ना ही मैं किसी का दामाद वामाद हूँ। चलो आप यहाँ से, मुझे नहीं शादी करनी। अरे सही तो कह रहा है ये, राखी सावंत वीडियो कॉल में आलिया भट्ट तो नहीं बन जाएगी ना। चलो आप सही कर रहे हैं पापा, ये शादी होने भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बनता। हाँ मैं ही रेखा हूं जिसे अब तक 7 लोगों ने रिजेक्ट किया है। और प्रेम तुमने तो मुझे पसंद किया था ना, मैं खूबसूरत हूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे? और शादी के बाद कुछ हो जाएगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। भाभी ब्यूटी ऐप ने सच्चाई छिपाई लेकिन रेखा सच बोली, शायद मैं ही गलत था। आज के बाद तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। रेखा बिटिया प्रेम का अपना कमरा दिखाओ। जी मम्मी। जाओ बेटा जाओ जाओ।
अरे आप लोग खड़े क्यों? बैठो बैठो। कुछ लो बेटा। तो बारातियों का स्वागत? श्याम परात। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटका वुटका नहीं खाता।